मत सेवां द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषित संगी संगम। योषित का अर्थ है स्त्रियां, अर्थात यहाँ ऋषभदेव स्पष्ट कर देते हैं कि जो लंपट पुरुष होते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, महत सेवा करना। महत सेवा माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषित संगी संगम। योषित तमो द्वारम योषित संगी संगम। योषिताम का अर्थ है स्त्रियां, जो स्त्रियों का गलत संग करते हैं उसे तमो द्वारम नरक द्वार, और महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते। स्त्रियों का संग, गलत संग करने वाले का संग तमो द्वारम नरक का द्वार है, और महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते। महान वैष्णव भक्तों की सेवा वैकुंठ का द्वार खुला कर देती है। इसलिए आगे वृषभदेव पुत्रों को कहते हैं कि पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वितैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ऋषभदेव कहते हैं कि पुंसा स्त्रिया, पुरुष और स्त्री का जो संबंध है, अवैध संबंध, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतत्, और वो संबंध मैथुन से दृष्टि से होता है, तो तयोमिथो क्या होता है, उनमें से हृदय ग्रंथि, स्त्री नर मादा, पुरुष और स्त्री अर्थात कोई भी योनि में नर मादा एक दूसरों से आकर्षित रहते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी दोनों की हृदय में ग्रंथि एक दूसरों के लिए हृदय ग्रंथि बन जाती है, हृदय ग्रंथि माहुर, और वो हृदय ग्रंथि में से क्या होता है, अतः उनमें से गृह घर में आ सकती, या पंछी नेसड़ा बनाते हैं, चूहा बिल बनाता है, घर बनाता है, सांप बिल बनाता है, तो हर योनि में नर मादा का आकर्षण एक दूसरों से होने पर उनके हृदय में एक दूसरों के लिए ग्रंथि आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और वो आसक्ति से घर उत्पन्न होता है, क्षेत्र बिजनेस उत्पन्न होता है, क्षेत्र खेत, खेत का अर्थ है बिजनेस, कुछ उपार्जन, अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वितय, सुत पुत्र, आप्त अपने, वितय पैसा, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वितय जनस्य मोहयम अहम ममेति। और ये जो गली के हैं, गांव के हैं, वो सब मेरे हैं, उनसे मोह उत्पन्न होता है। मोह की शुरुआत कहाँ होती है, नर और मादा पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतद् त्रयोमिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वितैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। और लास्ट ग्लेयर ऑफ माया प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आखिरी माया की दृष्टि या तो माया का बंधन में से क्या होता है, गृह घर में आ सकती, क्षेत्र बिजनेस में आ सकती, सुत पुत्र में आ सकती, गृह क्षेत्र सुत आप्त अपनों में आ सकती, आप्त वितय
वित्त में आसक्ति, गली और गांव के लोगों में आसक्ति, धनस्य मोहोयम अहम ममेति, और मैं ही ये शरीर हूँ। आखिरी लास्ट ग्लेयर ऑफ माया क्या है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये हमारा पहचान बना लेते हैं। हम हैं आत्मा लेकिन अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं जो पुंसास्त्रीय मैथुनी भाव, ऐसे लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नूनम प्रमत्तो कुरुते विकर्मो यत इंद्रिय प्रीतय आपनोति। नूनम प्रमत्तो कुरुते विकर्मो यत इंद्रिय, सो नूनम सर्टनली निश्चित रूप से, नूनम प्रमत्तो बिल्कुल प्रमत्त है लोग। ऋषभदेव कह रहे हैं उनके पुत्रों को, जन भरत भरत महाराज को, सबको, कि ऐसे लोग जो होते हैं जो स्त्री लंपट होते हैं वो नूनम प्रमत्तो, वो प्रमत्त नूनम सर्टनली निश्चित रूप से नूनम प्रमत्त होते हैं, उन्मत्त होते हैं, पागल होते हैं, प्रमत्त पागल। नूनम प्रमत्तो कुरुते विकर्म, और वो कैसा कर्म करते हैं? विकर्म, जिनसे खुद की भलाई ना हो, जिससे कुटुंब की भलाई ना हो, जिससे किसी की भलाई ना हो, अपनी भी भलाई ना हो, ऐसा विकर्म करते हैं, पाप कर्म, नारकी कर्म, कुरुते विकर्म। क्यों विकर्म करते हैं? यद इंद्रिय तृप्ति के लिए, यद इंद्रिय प्रीतये आपनोति, इंद्रिय आँख कान नाक जीभ त्वचा ज्ञानेन्द्रिय, इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमें 24 घंटा वो प्रयत्न करते हैं। नूनम प्रमत्तो कुरुते विकर्मो यत प्रीतये आपन, यत इंद्रिय प्रीतये आपन होति, न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। क्लेशद, क्लेश दुख देने वाला ये देह है, और ऐसे लोग इंद्रिय भोग से अपना खुद का दुख पैदा कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए कि ऐसी प्रजा, अपने पुत्रों को कहते हैं ऐसी प्रजा आप पैदा करो, ऐसी प्रजा को ट्रेनिंग दो कि अंत में सारी प्रजा भगवत धाम वापस लौटे, सारी प्रजा संस्कारी हो, सारी प्रजा शांत, और शांत होंगी तो सुखमय होगी। अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत रहता है उनको सुख नहीं मिल सकता। तो प्रजा शांत हो, सांस्कृतिक संस्कृति संस्कारी प्रजा हो,